संत कबीर को सत्य की अनुभूति प्रत्यक्ष हुई और संत कबीर ने सत्य को सरल सुंदर शब्दों में दोहों के माध्यम से बताया। आइए सुनते हैं कबीर दास जी की उलटबासियां और उसके बारे में ग्रुप डिस्कशन। तो वो पीरू मिलेंगे, खट खट में वही साई बसत है, कटुक वचन मत बोल रहे, धन जोबन का गर्व न कीजे, झूठा पचड़न चोल रे, तुन महल में दिनिया बारी ले, आशा से मत डोल रे, जोग जुगत से रंग महल में पी पाए अनमोल रे, कहे कबीर आनंद भयो है, बाजत अनहद ढोल रे। भावार हे मनोवृत्ति, तू अविद्या का पर्दा हटा, तब तुझे निज चेतना पतिदेव के स्वरूप का साक्षात्कार होगा। सभी देवों में तेरा सजातीय चेतन देव विद्यमान है, अतएव किसी के प्रति कटु शब्द का प्रयोग कभी मत करो। संपत्ति ऐश्वर्य और जवानी का अहंकार न करो, यह पांच विषयों से सुसज्जित शरीर क्षणिक एवं नाशवान है। अपने हृदय मंदिर को मोह माया से शून्य करके उसमें विवेक ज्ञान का दीपक जला लो। संसार के आशा में होकर मत बटो, साधना द्वारा चित्त एकाग्र करने पर इस शरीर रूपी उत्तम भवन में आत्मदेव रूपी या उत्तम पति मिल जाता है, जिसकी कीमत नहीं अदा की जा सकती। मन अंतर्मुख होने पर भी स्वरूप साक्षात्कार एवं स्वरूप स्थिति होती है। कबीर साहब कहते हैं कि उक्त दशा में पूर्ण आनंद की स्थिति होती है और वहां विवेक ज्ञान का निश्चिन बाजा बजता है। ठीक है चलिए, बहुत अच्छा। अभी पहले तो वैसे आपकी डेफिनेशन के बाद ही मैं बोल पाती हूँ, लेकिन यह है कि इसमें जब तक ये जो विम्मी जी आप जो बता रहे हैं ना, तो वो उसमें कहते हैं कि जैसे जो गाने वाला है, जब गाने वाला मौजूद ही ना रह गया तब उसका संगीत होता है। तो वो क्या होता है कि आपका कर्म और कर्ता दोनों चीजें जो है आपकी एक हो जाती हैं, तो वो जो है परमात्मा वाली श्रेणी आ जाती है उसमें। तो वो जब तक हमारी संसारिक, जैसे आपने जो बोला ना कि उन्होंने बोला कि ये यात्रा है, ये आप उसमें कंसर्ट में नहीं आए हैं करने के लिए, तो ये यही है बस। हर मोमेंट में जब यदि हम ये ऐसा जीना सीख जाएं, तो वो जो हर मोमेंट है ना, उसमें हम परमात्मा के दर्शन अपने स्वयं करेंगे। तो वो घूंघट के पट खोल में जो आज जो बताया ना, तो घूंघट के पट खोले बिना तो काम बनेगा नहीं। तो वो उसमें कहता है सुप्रीम सेल्फ या रियल सेल्फ को जब एक्ट करने लगती है आपके बिहाफ पर, तो आपने क्या करा, पूरा सरेंडर कर दिया। 100% जब आपने सरेंडर कर दिया उसके आगे कि अब तू ही ऑपरेट कर ले, अब ऑपरेट कर ले, तो आपने क्या किया, ऑपरेट मन बुद्धि शरीर सबको आपने पहले पिया को समर्पित कर दिया। जैसे कहते ना एक जो एक वो होता है, जैसे शादी होती है तो प्रेमिका अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर देती है, तो ऐसे है प्रेमिका चेतना। अब चेतना ने अपना पहले सुप्रीम को समर्पित कर दिया। सुप्रीम क्या चीज होती है, सुप्रीम भाव वो होता है कि जहां पर जो बॉडी इंद्रियां वगैरह मैं अपने मतलब के लिए नहीं यूज करूंगी, इसको अपने मतलब के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, जहां पर मन से जो फॉर्म हो जाता है, तो वो चीज नहीं यूज करूंगी। तो पिया का दर्शन तो आपको हर उस पर करना ही पड़ेगा। तो इसमें जो नॉर्मल दैनिक जो हम कर्म आते हैं उसमें फिजिकल बॉडी को मेंटेन करने के लिए, तो वो कर्म नहीं आते। मन से जो मनुष्य कर्म बनाता है वो चीज की अकाउंटेबिलिटी होती है। तो उसमें अकाउंटेबिलिटी इस प्रकार से होती है, जिस भी कर्म में हमारा विचार वाली अवस्था रह जाती है, तो वो कर्म हमारी उसको ईगो वाला जो अहंकार जब ऑपरेट कर रहा है, तो वो ईगो का है, तो वो हमारा निर्मित करता है दूसरी बॉडी को। तो दूसरी बॉडी वो दिखेगी नहीं आपको, वो कंटिन्यूसली सतत बनती है हमारी। तो इस प्रकार से जब तक आप पिया के कहते हैं ना, जब तक घूंघट के पट खोल, तो घूंघट के पट खोलने वाली स्थिति आई नहीं, तो फिर आपको दर्शन कैसे हुआ, और फिर जब तक आपने समर्पण नहीं किया। तो 100% समर्पण मतलब बॉडी इंद्रियां सब मेरी तेरी हैं, मैं अपने हिसाब से इसको यूज नहीं करूंगी, अब तेरे को मैंने सौंप दिया अपने आप को, तो अब तू मेरे में से जो बोलेगा वैसे करूंगी। तो वो बोलता नहीं है, वो तो मौन है, अब मौन है तो उसमें क्या करना पड़ेगा, बार बार आपको जो मन जो आपका संसारिक चीजों में जो लग जाता है मन, तो वो आप अपने पिया के साथ में भेद करते हैं, क्योंकि आपने मन तो लगा लिया जगत में, अब मन से ऑपरेट आप कर रहे हैं।
तो आप उसकी चोरी हो गई ना। पहले आप कह रहे हैं मैंने आपको जो है सौंप दिया, तो सौंपा कहाँ से, आपका मन खड़ा हो गया फिर वापिस। तो जिस भी चीज के प्रति हमारी अटैचमेंट है, इवन अपनी बॉडी या फिर बाहरी तौर के जितने भी हम एक्ट करते हैं, तो वो जब तक हमारा वो वहां पर वो जो कारण हो जाता है ना, जिसके कारण हम कहते हैं हम पिया पे चले जाएं, पिया थोड़ी ना ऐसे मिल जाता। पहले 100% समर्पित करोगे तो तब पिया आपके साथ होगा। तो वो 100% समर्पण है, आपने जी तो जो है अपना लगाया हुआ है धन में, उसमें अपने बच्चों में, उसमें उसमें सब में लगाया हुआ है, तो फिर वो ऐसे तो बात नहीं। तो पिया के साथ में समर्पण मतलब पिया के घूंघट के पट खोल, तू अपने ही खोल, मतलब मन के जो वो है द्वार अपने सारे खोल, सिर्फ वही है तेरा, बस मेरे हिसाब से तो ये है। हाँ जी, आप फ्री हो गए सुरेश जी? नहीं नहीं बढ़िया, नहीं मैं आज मुझे थोड़ी खांसी आ रही है, तो सब लोग बोल लीजिए, मैं लास्ट में बोल दूंगा। अच्छा ठीक है, ओके ओके सुरेश जी। हाँ तो भी एक सिंह बोल लो। अच्छा अच्छा, ये विक्रम सिंह जी आ गए हैं, तो अपन इनको सुन लेते हैं। विक्रम भाई ठीक है, ये माइक चालू करिए आपका। विक्रम भाई आपको सुनाई दे रहा है, माइक चालू करें आपका। एक में बस एक देती हूँ, गोपाल जी ने एक बहुत सुंदर कहा था कि सत्संग में तो सब बैठते हैं, पर सत्संग कितनों में बैठता है ये इम्पोर्टेंट है। तो बहुत सुंदर, बहुत दिल से बोलते हैं ना वो। आप मिले प्रहलाद भाई से, भारती बंधु से? नहीं, प्रहलाद भाई से मिली और अरुण जी से कल मिली थी, और आज उनका जब हम सत्संग होगा शाम को, तो वो सब कलाकार जो सब इकट्ठे एक तरह का जो भी कॉन्सर्ट का हो वो होता है, पर अभी होगा सत्संग। वो भी हम यहाँ से बस नाश्ता करने के बाद वही निकलेंगे। बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा। चलिए विक्रम भाई, हमारी बात सुनाई दे रही है आपको? हाँ जी सर। चलिए आप प्रस्तुत कर दीजिए। तो सब घट मोरा साइया, और सुनी सहज न को, हर बल हारे वा घट के, और जा घट पर घट हो, घूंघट के पट खोल रे, तो को पीबू मिलेंगे, घूंघट के पट खोल रे, तो को पीबू मिलेंगे, पीबू मिलेंगे तो है, पीबू मिलेंगे, पीबू मिलेंगे तो है, पीबू मिलेंगे, घूंघट के पट खोल रे, तो को पीबू मिलेंगे, घट घट में वा साईं बसत है, घट घट में वा साईं बसत है, कटुत वचन मत बोल रे, तो को पीबू मिलेंगे, घूंघट के पट खोल रे, तो को पीबू मिलेंगे, धन यौवन का गर्भ कीजे, धन यौवन का गर्भ न कीजे, झूठा च रंगोल रे, तो को पीबू मिलेंगे, घूंघट के पट खोल रे, तो को पीबू मिलेंगे, सुन महल में
दीव लारी ले सुन मैं दीव लार बारी ले आसन से पाल रे तो को पीव मिलेंगे घूंघट के पट खोल रे तो को पीव मिलेंगे जोग जुगत से सुन मल में जोग जुगत से सुन मल में पिया पायो है अनमोल रे तो को पीव मिलेंगे घूंघट के पट खोल रे तो को पीव मिलेंगे कहत कबीर आनंद भयो है कहत कबीर आनंद भयो है बाजत आन हद ढोल रे तो को पीव मिलेंगे घूंघट के पट खोल रे तो पीव मिलेंगे बहुत अच्छा बहुत ही अच्छा चलिए सरिता जी आइए इसको हाँ जी ठीक है तो ये स्टार्टिंग से ही कर लेते हैं ये छोटे लाल भारती हाँ जी आप बोलिए हाँ जी भारती जी क्या समझ आया ये बोलिए अब आ जा रही है हाँ जी आ रही जी आ रही मुझे लगता है कि जो अज्ञानता का जो घूंघट रूपी पर्दा है उसे हटाने की जरूरत है और वो हमारे अंदर जो वो परमात्मा वो पीयू जो आत्मा का स्वामी है वो उसका दर्श हो जाए अब मैं इतना समझता हूँ बहुत बढ़िया हाँ वो पर्दा जो है वो मन का है मन लगा के बैठ गए हाँ ये अब अनामिका जी बोलिए हाँ सरिता जी इसमें वही समझ में आया कि इसमें अविद्या तो ये लोग जो हम शरीर से जुड़े लोगों को मतलब जुड़ी जो भी चीजें उसे सच मानते हैं वो अविद्या जबकि जब हमें मतलब अपने इस स्वरूप का ध्यान हो जाएगा मतलब कि आप जो हमेशा बोलते हो कि सिचुएशन है जब वो आ जाएगा तब हमारे मतलब ये अपना अपने स्वरूप का हमें दर्शन हो जाएगा और वही संसार के हम भागते रहते हैं तो वहां हमें नहीं भागकर अपने मतलब विवेक मतलब ये सेंटर में मन लाना है मतलब मन मन भाव से शून्य हो बस इतना ही बहुत अच्छा बहुत अच्छा नाम अब ये भगत भगत राम दायामा ये बोलेंगे जी जी थैंक यू जैसे कि घूंघट के पट खोल रे तो को पिया मिलेंगे यहां से गीत की शुरुआत होती है और वही है कि घूंघट के पट खोल मतलब इसका मतलब यही है कि हमारे मन का जो पर्दा पड़ा हुआ है और जो ईगो है अहंकार है और जो सांसारिक माया जाल है वो उसने एक पर्दा खड़ा कर दिया है और जिसके कारण हमारे जो जागृति है वो रुकी हुई है और कहीं ना कहीं अब उस पर्दे से पार जाने की आवश्यकता है ये उस भाव को यहाँ व्यक्त कर रहे हैं
है ना, तो वो पिया मिलेंगे। यदि वो पर्दा अगर खुल जाता है और उसको हम गिरा देते हैं तो निश्चित रूप से कि वो जो हम कहते हैं कि आत्मा का परमात्मा से मिलन होगा और वो घटना घट सकती है। अगले ही पंक्ति में कहते हैं कि घट घट में वह सही बसत है, कटु वचन मत बोल रहे। कबीर की परंपरा में कबीर ने चार राम की व्याख्या की है, तो एक राम ने कि घट घट में राम बसत है, जो ईश्वर है वो सत्ता है, परम सत्ता परम अस्तित्व जो है वो घट घट में बसता है। तो कहीं भी हम ऐसा कृत्य ना करें, ऐसा व्यवहार ना करें, ऐसे वचन ना बोलें कि कहीं ना कहीं हम जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर किसी को ठेस पहुंचा रहे हैं, ऐसे वचन बोल रहे हैं, इसका मतलब सीधा सीधा यही है कि हम कहीं ना कहीं उस परम अस्तित्व को, परम सत्ता को, परम ध्वनि को, परम रोशनी को हम कहीं ना कहीं मतलब चोट पहुंचाने की बात करते हैं, और जिसके प्रति कृतज्ञता और प्रेम होना चाहिए उसके लिए हमको ऐसा भाव नहीं रखना चाहिए। फिर वो बोल रहे हैं धन जोबत गर्व न कीजिए, झूठा परपंच चोल रे। इसका मतलब यही है कि भाई हम हमारे जवानी पर, पैसे पे और जो भी हमारे पास संसाधन होते हैं, पावर होते हैं, उसका हम ये अभिमान ना करते हुए, क्योंकि शरीर तो नश्वर है, चले जाना है, और शरीर की नश्वरता को समझते हुए, आत्मा की अमरता को समझते हुए इस सत्य को हमें जानना बहुत जरूरी है। सुने महल में दिए ना भले आशा मत डोल रे, मतलब कहने का तात्पर्य कि आपका जो शरीर है उसके अंदर कहीं ना कहीं वो परम रोशनी, परम अस्तित्व, परम प्रकाश आपके अंदर विद्यमान है, और वो निश्चित रूप से आप उसको पहचान सकते हैं, और इसमें आपको विश्वास रखना चाहिए। मतलब कहीं भी आपका ध्यान, आपका मन और ये डोलना नहीं चाहिए, उसमें आपको विश्वास करना पड़ेगा। आप उस ओर अगर बिना विश्वास के जाओगे तो शायद आप चूक जाओगे। जोग जगत रंग महल पिए पाए अनमोल रे, तो वही कबीर कहते हैं कि भैया आपको ये जगत से बड़ी चीज, घटना जो घट सकती है वो प्रीतम आपको मिल सकती है, पर्दे से पार जाएंगे, है ना। कहे कबीर आनंद भयो बाजत अनहद डोल रे, तो जब आप उस परम अस्तित्व परम पिता परमात्मा को जब पा लेते हैं तो आप परम आनंद को उपलब्ध हो जाते हैं। अंतिम अवस्था होती है आनंद, और आनंद में जब आपका ठहराव होता है तो वहां पर परम रोशनी, परम प्रकाश। और यहाँ पे अनहद की जो बात कही, अनहद ढोल, एक ध्वनि तो वो होती है जो नाद से होती है, है ना, किसी के टकराव से होती है, ठीक है, आहत करने से होती है। और जब अनहद नाद की बात करते हैं तो हम परम ध्वनि की बात कर रहे हैं, है ना। जैसे कि अगर हम विज्ञान की भाषा में चले जाएं तो या तो कोई बात कर रहा है रोशनी की, कोई बात कर रहा है वाइब्रेशन की, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे ब्रह्मांड में एक ध्वनि गूंज रही है और उसकी कई तरीके से आपको उसके आभास होते हैं, और उस आनंद में जब आप पहुंचते हैं तो वो नाद आप पर बरसता है, वो परम प्रकाश आप पे बरसता है, वो जब आप उसको एहसास कर लेते हैं तो आपका जीवन में आना सार्थक हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, तो ये जो बहुत बढ़िया, आप एक सुरेश जी मैं बोल दूं इसके बारे में भी थोड़ा सा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो आहत की जो ध्वनि हुई ना, तो आहत की ध्वनि उसको कहा जाता है जब आपके मन के विचारों की ध्वनि होती है, उसी चीज को वाइब्रेशंस कहा जाता है। तो अनहत नात मतलब जब आपकी शून्यता, जो आपने मौन, मन के मौन को जो प्राप्त कर लिया वो अनाहत नाद हुआ। अनाहत नाद मतलब एक हाथ की ध्वनि, तो ध्वनि नहीं होती, मन का मौन होता है, मन के मौन को ही अनाहत नात कहा जाता है, क्योंकि आपके अंदर की जो ध्वनि चल रही थी आपकी वो मौन अवस्था में चली गई। और दूसरा ये जो यहाँ पर जो कटु वचन जो बोला है, कटु वचन इस प्रकार का होता है कि जो आत्म प्रतिष्ठित व्यक्ति है उसको ही पता है कि सामने वाले का इलाज किस प्रकार से करा जाएगा। आत्म प्रतिष्ठित व्यक्ति उस अवस्था को कहा जाता है जहां पर आपके अपने मन का तो मौन आपने प्राप्त कर ही लिया, अब दूसरे मन का मौन मतलब सामने वाले के साथ जो आपका बिहेवियर चलेगा। तो कटु वचन में बहुत मीठे वचन भी आते हैं, मीठे वचन तो आते ही हैं, लेकिन कटु वचन ना बोल मतलब ना बोल, जो यदि मेरा कोई भी एक्ट सामने वाले को मन से पार ना लेके जाए, जैसे तुलसीदास की वाइफ ने उसको कटु वचन बोला, कटु वचन जो संसारिक जिसको कटु वचन मानती है, संसारिक वाला जो कटु वचन जो मानती है, कटु वचन बोलते ही उसको सत्य में प्रतिष्ठित उसकी वो हो गए तुलसीदास, क्योंकि वो एक तीर की तरह लगा, तो तीर की तरह ऐसे लगा कि जो अंदर की जो गोली भरी हुई थी वो निकल गई उनकी बाहर।
आत्म तत्व में विलीन हो जाता है, तो वो वचन हमें बोलने हैं, तो वो वचन सिर्फ मीठे वचन कहा जाता है शास्त्रों के अकॉर्डिंग, वो नहीं कहा जाता जो संसारिक भाषा में हम कहते हैं किसी के मन को दुखी ना करो। तो मन तो मन के पार ही तो आत्मा के दर्शन है ना, पिया के दर्शन है ही मन के पार। तो वो अवस्था जो है पता होनी चाहिए कि कटु वचन हम किसको बोल रहे हैं, बात कटु वचन में क्या चीज बोल रहे हैं कबीर, ये चीज पे जब तक हम नहीं जाएंगे तो हम व्यवहार में फंसे रहेंगे। तो व्यवहार जब तक आप चल रहा है तो आप आत्मा में नहीं चल रहे हैं, आत्मा की यात्रा व्यवहार के व्यवहार को छोड़ के चलती है। क्योंकि एक क्रिमिनल को पूरी सजा दी जाती है ना, ऐसा थोड़ी ना है उसको जो दी नहीं जाएगी, भगवान ने खुद युद्ध में पूरा सबको साफ करा दिया, तो ऐसा थोड़ी ना था कि वो दुर्योधन जो था उसको कटु वचन तो वो बोलने गए थे, अपना दर्श भी दिखाया था, सब कुछ किया था, लेकिन वो सब कुछ जो साफ कराया, तो ऐसे तो सब में आत्म वो जो मौन है वो जो घूंघट के पटके पिया तो बैठे हैं, लेकिन पिया का जो है उन्होंने दर्शन में थोड़ी ना बैठे हैं, तो दर्शन कराना जरूरी है। तो इस प्रकार बुद्धों का व्यवहार ऐसा होता है, तो कटु वचन में ये चीज आती है। हाँ जी, तो नीलम जी ने अनम्यूट कराया तो वो बोलना चाह रही है शायद। हाँ जी बोल दीजिए नीलम जी, आप बोल दीजिए पहले। हाँ जी, जय श्री कृष्ण। हमें हाथ लग गया अभी बोलने का, बोलने का। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, अब बोलना चाह रही हो, बोलना चाह रही हो तो बोलिए। मैं कह रही हूँ सबको नवरात्रे की शुभकामनाएं। हाँ जी, थैंक यू। हाँ, आप कौन बचा, ये अभी तो सारी हैं। अच्छा, ये क्या कहते हैं, इसके बाद दोबारा आ जाएंगे मेरे ख्याल से, दोबारा आ ही जाइए जी। पहले तो आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं और सबको साहिब बंदगी। वैसे आप सबने सब कुछ बता ही दिया है और मुझे ज्यादा कुछ आता नहीं है, बस जो इसमें कहा गया था कि शून्य महल में दिवला ना बाती, आशा से मत डोल रहे तो है पीयूजी मिलेगा। तो कुल मिला के कबीर साहब ने यही बात कही कि इस सुरती को एक जगह पर स्थिर रखना होगा, तभी जाके उस परमात्मा का दर्शन हमें होगा। क्योंकि यदि हम बात करते हैं और यदि हमारी सुरती उस शून्य जगह पर नहीं टिकती है, तो आशा से हम इधर उधर डोलते हैं, तो हमारा मन कहीं इधर उधर भटक रहा है, तो हमें उस परमात्मा का दर्शन कैसे होगा। तो बात यही है कि हमें इस सुरती को एक जगह पर स्थिर रखना होगा, तभी सब कुछ होगा। बस इतना ही। बहुत ही सुंदर बोला, ठीक है। हाँ जी, ये हर्षा जी आपकी बारी है। हेलो। हाँ जी, आ रही है आवाज। हाँ जी, हाँ, बहुत अच्छा लगा और इतने सब अमूल्य सब वचन सबके सुने, टिप्स सुने, तो मुझे तो एक ही, जैसे मैं समझती थी कि जो वेदांत का है ना, नम मनोबुद्धि अहंकार चित्ता ने नहीं नाम, ये जो हम लोग श्लोक जो गाते हैं, तो वो मेरा फर्स्ट स्टेप था कि डिटैच कैसे होना है लाइफ से, यू नो, बिकॉज जैसे आप बोलते हम मन से सब काम करते, तो जब बोलते मन ही मैं नहीं हूँ सब, तो उसके थ्रू करते करते ये एक स्टेट आ जाती है कि आप एक लेवल से एक्शन कर सकते हैं जहां यू आर अवेयर फ्रॉम विच लेवल यू आर एक्टिंग। तो कभी कभी हम राग से, द्वेष से, जो भी है यू नो, मोह से, तो तुरंत हम अपने को चेकिंग कर सकते हैं। और जब ये भजन जब सुनते हैं, ये तो अच्छा जी म्यूट हो गया आपका। हाँ, ये एक हायर लेवल की स्थिति है जहाँ की जब मनी नहीं अपना पूरा है ही नहीं और ईश्वर के समर्पित हो जाते हैं, पर तब तक हम लोग को जो रिजेक्शन मोड होता है ना, तो शेरविंदो बोलते थे थ्री स्टेप्स आते हैं, एस्पिरेशन, रिजेक्शन एंड देन सरेंडर। पहले तो हमारे अंदर एक कड़ी अभिप्सा होनी चाहिए कि मुझे एक अलग ही चीज के तत्व की खोज में है, मेरी जिंदगी उसके पर्पस के लिए है, इसके लिए ही मैं जन्मा हूँ। दूसरा फिर रिजेक्शन मोड आएगा क्योंकि हम अभी तक पूर्णता में आए नहीं, तो अवेयरनेस में जैसे आप रिजेक्शन करते जाएंगे ना, तो वो जो आसन से मत डोल, ऊपर नीचे होंगे, चढ़ाव उतार आएंगे, पर हम कभी वो आसन से हटेंगे नहीं, तो वी विल रिवर्ट बैक टू द ट्रूथ कंटिन्यूअसली, कम व्हाट मे, वी विल फॉल, वी विल राइज, वी विल फॉल, वी विल राइज,
बट सर्टन स्टेज का बाद ऐसे हो जाता है कि जो हमारा हिलना डोलना है ना वो बहुत कमती होते जाएगा और हम लोग स्थिरता में आस्ते 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 आते जाएंगे। तो जो पहले जो हम लोग बहुत रिएक्टिव थे वो हम लोग नहीं रहेंगे, हम लोग जो रिस्पॉन्स में आ जाएंगे, हमारे जिंदगी जी एक अंदर अलग ही जागृता आ जाती है कि भाई ये जो भजन जो इन्होंने गाया है ये बहुत उत्तम स्थिति मानस का अति उत्तम स्थिति का एक स्टेज है। तो कबीर का कबीर साहब का तो जो है उसको तो हजार बार नमन करो तो भी कमती है जो उन्होंने प्राप्त की थी। तो ये जो है ये बहुत अच्छा है। और लास्ट टाइम भी जैसे हमने शेयर किया था कि मीराबाई का गुरु थे रविदास जी, पर मीराबाई को कबीर भाई के साथ एक मैंने सीखना था कुछ, तो वो गए थे तो कबीर ने राम का पूरा उन्होंने क्या तो था पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, कबीर भाई का कबीर के निगरानी उन्होंने ये भजन गाए थे। तो ये जो है मुझे बहुत अच्छा लगा, ये सेशन ही बहुत सुंदर है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है और मनोबल भी स्ट्रांग होते जाती है। थैंक यू। बहुत ही बढ़िया 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 बढ़िया। ये कौन बोलेगा इसमें? मोना। मैं बोलती हूँ। मुझे ये तो बोलना है कि ना ये हमें मालूम है कि ये हम ये संसार में आए हैं एक यात्री की तरह, फिर हमें वापस जाना है, ये सारा ज्ञान सबको है लेकिन फिर भी हम इसमें जुड़ जाते हैं, हम इससे बाहर नहीं निकल पाते, हम हमें ये लगता है हम परमानेंट यहीं पे हैं, तो इससे हम बाहर कैसे निकलेंगे? ये ज्ञान से ही हम धीरे धीरे वो एक एक बूंद जाएगी तो हमें हमारा थोड़ा डिटैच होएगा संसार से। और उसमें वो जो गीता में भी भगवान ने बोला है ना, मतलब लाखों लोग प्रयत्न करते हैं मुझे प्राप्त करने का, उसमें से कोई कुछ ही मुझे प्राप्त कर पाते हैं, तो वो जो कुछ प्राप्त कर पाते हैं उसमें ये सत्संग ही जरिया है उसको प्राप्त करने का, संसार से डिटैच होने का। बस मुझे यही बोलना था। वो जैसे ये अलार्म क्लॉक होती है ना, अलार्म क्लॉक बनी हुई होती है तो अलार्म होता है, तो ये जो सारा जो जितने भी प्रतीक मात्र जो जितनी भी मूर्ति हैं जितना भी चाहे सत्संग है ये प्रतीक मात्र हैं, तो हमें बार बार अपनी स्वयं की याद दिलाते हैं कि तू ये नहीं है जो तू समझे बैठा है। तो जब जैसे ही समझ में आती है हमें अपनी कहानी, तो वो आसन से मंडोल मतलब ये होता है जैसे ऊपर नीचे जो मन का जो खेल चल रहा है ना, तो मन का खेल वो चली इसी कारण रहा है, मन गिरता उठता है, मैं नहीं गिरती उठती। तो जब आप देखने वाली स्थिति में आसन से नहीं डोलेंगे ना, तो बिना डोलने में मन को पावर देने वाला कोई बचेगा नहीं, तो वो मन को हम पावर दिए रखते हैं, तो मन हमारे को मतलब हमें नचा तो सकता नहीं, हम तो स्टेशन है, जैसे सूर्य होता है हम सूर्य हैं, अब वो नीचे में जो है बादल आ गए वो बादल कोई उसको टकराते थोड़ी ना है, लेकिन हमें गलत फहमी हो जाती है कि बादल तो बरस गए वो हो गए, वो सारा मन का खेल चल रहा होता है, तो मन को देखने वाले बनो बस। हाँ जी सुरेश जी आप बोलिए, अब लास्ट आप आपको बोलना है। हो गए कि सभी लोग हो गए? हाँ जी सभी हो गए मेरे ख्याल से, और बाकी कोई बचा है तो बता दीजिए, कोई आना चाहता है कोई बोलना चाहता है कमेंट, तो और दोबारा भी बोलना चाहता है कोई कमेंट, कोई मन में ख्याल आया तो बता दीजिए, क्योंकि अब सुरेश जी सॉल्व कर देंगे सबके। नहीं, काफी आप भी डिफाइन करेंगे सर। वो सुरेश जी ये होता है ना कि जैसे किसी के बोलने में किसी को अपना आंसर मिल जाता है, तो इसलिए ये डिस्कशन बहुत हेल्पफुल रहते हैं। नहीं नहीं देखिए इसी को सत्संग कहते हैं, है ना, सत्संग में होता ये है कि जो व्यर्थ है वो निकल जाता है बाहर, है ना, और इसलिए अपने देश में सत्संग की बड़ी गहरी परंपरा है, हजार किताबें और एक सत्संग, है ना, तो सभी ने बहुत अच्छी तरीके से उसकी व्याख्या की, जैसे सरता जी ने बताया कि अनाद नाद और मन की अवस्था किस तरह से होती है ना, छोटेलाल जी ने बताया कि अज्ञानता का पर्दा है ये, घूंघट का पटखोल, है ना, तो निश्चित रूप से वो अज्ञानता का अंधकार का जो पर्दा है उसको वो हमारे मन में कहीं ना कहीं से पड़ा हुआ है ना, और इसी तरह से इन्होंने कहा, अनामिका ने कहा कि अविद्या का पर्दा है ना, ये भगत राम जी ने अनहद के बारे में बताया कि वो एक ऐसी ध्वनि जिसमें किसी चीज की टंकार नहीं करना पड़ती, टच नहीं करना पड़ता, है ना, और अपने आप एक भीतर से आंतरिक जो ध्वनि निकलती है, मतलब बिना आघात के जो ध्वनि है वो अनहद नाद है ना, और नीलम जी ने वो तो कहते हैं कि बोलने वाले बहुत है सुनने वाले कम है ना, तो नीलम जी बहुत आराम से सुन रही है
गीता जी ने बताया कि एक सुरति को अपने एक स्थान पर स्थिर रखना, शून्य महल में दीना बार ले, है ना, ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है, शून्य महल में दीना बार ले, है ना। कि हम ये क्या है कि कहते हैं ना कि अंधकार को आप यदि कोई मारने पीटने से अंधकार नहीं दूर होगा, आप अंधकार से लड़ने से कुछ नहीं होगा, लड़ते रहिए अंधकार से, कि आप फाइट करिए उससे, अंधकार जाता नहीं। लेकिन उसका उपाय है कि एक छोटा सा आपने दीपक जलाया कि अंधकार अपने आप समाप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से जो ज्ञान की दे दी आपके भीतर एक जरा सी ज्योति आई कि सारे तरह के जो अंधकार हैं वो अपने आप मिट जाते हैं। इसका अर्थ ये है ना, हर्षा जी ने बताया कि आसन पतंजलि योग में आसन कहा है स्थिर सुखम आसनम, पतंजलि योग का पहला ही पद है जिसमें वो कहते हैं कि स्थिर सुखम, मतलब आसन उसे कहते हैं जिसमें स्थिरता हो और सुख पूर्वक आप बैठ सके, उसको बोलते हैं आसन। तो यहाँ भी कहा गया कि आसन सा मत डोल रे, और कहीं 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 कहा गया आशा से मत डोल, तो दोनों बातें लगभग एक सी हैं कि हमको बहुत प्रकार की आशा आशाएं होती हैं जीवन में, और उन आशाओं के चक्कर में हमारा मन इधर उधर डोलता है। और आसन यदि हम योग की भाषा में देखें तो आसन भी स्थिरता का नाम है, जैसे जैसे हमारे शरीर में और मन में स्थिरता आती जाती है, समझ लीजिए हम सही आसन में स्थित हैं। तो ये बात हर्षा जी ने बहुत अच्छे से बताया। मोना ने कहा कि हम यात्री की तरह है फिर भी हमारा संसार में मन भटक जाता है। तो ये सारी बातें जो सभी आप लोगों ने कही, तो इसका अर्थ है कि हम इन शब्दों की जो कबीर साहब ने कहे हैं उनकी गहराइयों में अच्छी तरह से प्रवेश गए। प्रवेश कर जाना ठीक है, परंतु बाजत अनहद डोल रे, है ना। अब जब ये चीजें हमारे भीतर प्रवेश कर गई, हम चीजों को समझ गए, बाहर के जितने भी आवरण हैं वो दूर हो गए, तब फिर हमको एक आनंद की स्थिति में आना चाहिए। कहते हैं इन सब कामों का अर्थ ये है कि हमको आनंद आने लगे। यदि हमको हम गा रहे हैं तो उसमें आनंद आने लगे, हम जो भी कृत्य कर रहे हैं, कहते हैं ना कभी जैसे नवरात्रि चल रही है, नवरात्रि में लोग तरह तरह के उपवास करते हैं, कोई नंगे पैर उपवास करता है, कोई एक टाइम भोजन करता है, कोई निर्जला उपवास करता है, परंतु उपवास का मजा तब है जब हमें स्वादिष्ट भोजन करने में जो आनंद मिलता है उससे अधिक आनंद यदि उपवास करने में मिलने लगे, तब उसको कहते हैं कि बाजत अनहद डोल रे, तो उसको कहते हैं कि बाजत अनहद डोल रे, तब हमें आनंद, यानी हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें आनंद की अनुभूति हो। और अभी तक क्या हो रहा है कि हम प्रतीकों में उलझे हुए हैं और दूसरी चीजों में उलझे हुए हैं, लेकिन हमें हमारा जो उसका स्वाद आने लगे, हम यदि हम किसी चीज को किसी को दे रहे हैं तो उसका हमको आनंद की अनुभूति होने लगे। तो कबीर साहब का पूरा जो फिलोसफी है, पूरा का पूरा जो उनके वचन है, वो अनुभवजन्य है। और इस बात को उन्होंने अनेकों तरह से कहा है, इस घट भीतर बाग बगीचे इसी में सृजनहारा, इस घट अंदर सात समुन्दर इसी में नौलख धारा, इस घट अंदर पारस मोती इसी में परखन हारा, इस घट अंदर अनहद गर्जे इसी में उठत फुहारा, कहत कबीर सुनो भाई साधो इसी में साई हमारा। जब सब कुछ हमारे भीतर है, इसी में है, तो हम उसके बस इतना जानते हैं हम शब्दों में, लेकिन हम उसके आनंद से वंचित रह जाते हैं। तो जब किसी कहते हैं ना ब्रह्मचर्य का आनंद तब है जब वैवाहिक जीवन से ज्यादा आपको ब्रह्मचर्य में सुख हो, तब वो अदरवाइज मन इधर उधर घूम रहा है, भोजन करने का मन कर रहा है, उपवास कर रहे हैं। इसी प्रकार से धर्म का हमें स्वाद आना चाहिए, जिस तरह से हम जैसे आम खाते हैं और उसका हमें स्वाद आता है, इसी तरह से हम जो भी कृत्य करें उसका यदि हमें स्वाद आने लगे, तब हम समझ लीजिए कि धर्म हमारे भीतर प्रवेश कर रहा है। धर्म तो कबीर साहब एक बहुत ही व्यवहारिक और प्रायोगिक धर्म प्रस्तावित करते हैं, और वो कहते हैं कि ये ऐसा धर्म है जिसमें ईश्वर, ग्रंथ, मंदिर, प्रार्थना, तीरा, बरात, पुण्य, ये कुछ भी काम नहीं आते। वो हमारी इस प्रकार की जितनी भी पहचाने हैं उनको मिटा देना चाहते हैं। एक तरह से हमारी जो बाहर की तरफ जाने वाली यात्राएं हैं, वो जानते हैं कि बाहर की तरफ जाने वाली जो यात्राएं हैं ये कहीं ना कहीं इनको भटका देंगी, और इसलिए वो अपनी सारी यात्राओं को, हमारे सारे मूवमेंट को, सारे मन की स्थितियों को अपने तरफ मोड़ देना
माया का उपक्रम करते हैं। प्राय उनकी हर वाणी में यही बात बार बार दोहराई गई है अनेक तरीकों से, अनेक प्रतीकों से, कि बाहर की तरफ जाने वाली सभी यात्राएं आप अपने तरफ मोड़ दीजिए, और जब आप अपनी तरफ उसको मोड़ देंगे तो आपके भीतर जो आनंद की अनुभूति होगी वो असीम होगी, अति सुंदर होगी, क्योंकि आत्मज्ञान का, आत्मक्रांति का जो आनंद है उससे वो आंधी जैसा आता है। आत्मक्रांति का जब आनंद जो होता है वो आंधी जैसा आता है बिल्कुल। वो सारी चीजों को जो जितने हमने पर्दे लपेट के रखे हैं, जितने हमने घूंघट बना के रखे हैं, वो ठह जाते हैं। और इसीलिए जैसा सरता जी कह रहे थे कि मीरा नाचने लगती है ना। जब पहले तो हम शब्दों में कोई बात कहते हैं, जब उससे मन नहीं भरता तो फिर हम नृत्य करने में मन नहीं भरता तो मौन हो जाते हैं। मतलब हम किस तरह से इस अनुभूति की धन्यता को बताएं, उसके ये प्रतीक है। जब तक अहंकार रहेगा व्यक्ति नृत्य नहीं कर सकता, अहंकार छूटता है नृत्य करने लगता है। तो वो इन सभी पदों के बार पर हमें ये बार बार एहसास करा रहे हैं कि आप इन स्थितियों में जाए तभी आपके अंदर, और जब तक आनंद की अनुभूति में होने लगती है, समझ लीजिए कि आपके अंदर वो चीज प्रवेश नहीं की गई है, तो इसको देखते रहे। और बाहरी चीजों को छोड़ने का मतलब ये नहीं कि हम अपने बच्चों को छोड़ दें, हम अपने घर को छोड़ दें, हम अपने वस्त्र जो है जो हमको पसंद आ रहे हैं उनसे अपना मन इस तरह से साक्षी भाव कर ले कि हाँ ये है, कोई बात नहीं, यदि नहीं भी रहेगा तो कोई बात नहीं, है ना। तो ये बीच की स्थिति को लगातार अभ्यास के द्वारा निर्मित करना से हमारे भीतर एक आनंद की ध्वनि उपजने लगेगी, हम आनंदित होने लगेंगे। उस आनंद को ही उन्होंने कहा जो बाजत अनाद ढोल रहे। और ये जो जोग जुगत की जो उन्होंने बात कही कि ये सारे काम ऐसे नहीं होने वाले हैं सीधे सीधे, इसके लिए आपको जुगत करना पड़ेगी, आपको कुछ बहुत सारे अभ्यास करने पड़ेंगे, बहुत सारी टेक्निक्स अपनाना पड़ेंगे। तो जिसको जो रुचे, जिस तकनीक से जिसे जो रुचे, जहां से वो महसूस कर सकता है कि यहाँ मुझे आनंद की अनुभूति होगी, उस तकनीक को वो चुने और फिर जब उसको निरंतर करेगा, निरंतर उसका अभ्यास करेगा तो उसका आनंद उसको आने लगेगा। जी सुरेश जी, मैं भी थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए सर। मैं थोड़ा सा बोलना चाह रही हूँ इसके बाद जरा सा। जो आपने ये जो दो शब्द ये इस्तेमाल कर रहे ना, ये एक तो ब्रह्मचारी और दूसरा उपवास। तो एक स्टोरी थी, भगवान कृष्ण ने गोपियों को भेजा कि ये बीच में रिवर थी, कहीं किसी को जो है वो सन्यासी को खाना देने जाना था। तो वो बोले कि ये बीच में नदी आ गई तो अब हम कैसे जाएं। तो वो बोले कि यदि सन्यासी ने उपवास किया हो तो वो जो है नदी मेरे को रास्ता दे दे। ये स्टोरी है, तो उसमें ये बताया कि वो उन्होंने रास्ता दे दिया, नदी ने रास्ता दे दिया। मतलब ये हुआ कि उपवास, अब उपवास में वो था संत, तो उपवास उस अवस्था का नाम है जहां पर मैं पूरी जागृति में कर्म करती हूँ कि ये शरीर के थ्रू, जैसे भगवान कृष्ण 16108 रानियों के बावजूद भी उनसे बड़ा ब्रह्मचारी नहीं कहा गया उनको, कोई दूसरा नहीं था। तो दूसरा ब्रह्मचारी, मतलब ब्रह्मचारी वह स्टेज है जहाँ आप माइंड को जब देखने वाले बन जाते हैं कि ये मन का खेल चल रहा है, ये शरीर का खेल चल रहा है, और आपकी जो जागृत जो चेतना है वो पूरी तरह से उस अवस्था में जागृत है। जैसे भगवान कृष्ण ने युद्ध कराया, तो युद्ध करना कोई आनंद वाली बात नहीं होती किसी के लिए भी, लेकिन भगवान कृष्ण को आनंद कहा जाएगा। आनंद वो सम अवस्था है जहां पर मैं हमेशा जागृत बैठी रहती हूँ और मेरा जो है मन और इंद्रियां सारी ही जो अब जो कार्य जो जरूरी है, जो होना चाहिए जिस समय में, जो मोमेंट में जो काम होना चाहिए, उस कर्म को शरीर मन बुद्धि इंद्रियां सब कर रही हैं, उसमें लगी हुई हैं, वो आनंद की अवस्था होती है। तो अब एक तो आनंद हमें आता है कि हमें म्यूजिक में आनंद आया, तो आनंद आया, लेकिन उसमें म्यूजिक में आपको आनंद भी जब आता है जब आपका मैं नहीं रहता उसमें। तो जब कर्म करने वाला और कर्म दोनों ही मर्ज हो जाते हैं तो तब आनंद की होती है, तो वो चीज हमें पता नहीं चलती। तो ये हम जागृति में जो भी चीज करते हैं तो वो आनंद की दशा होती है, चाहे जागृति में हम बाहर किसी के साथ कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन जागृति में करा हुआ कर्म ही सिर्फ आनंद की अनुभूति कराता है, क्योंकि उसमें मेरा कोई स्वार्थवश मैं नहीं कर रही, और उसमें सारे मेरे, जैसे जो कृष्ण का नृत्य था ना, तो नृत्य इस प्रकार से कहा जाता था उनके, उसको
नटराज के उसको और शिव के भी नटराज वाली जो संज्ञा उनको दी जाती थी, नटराज इस तरीके से करा जाता था कि इंद्रियां और वो सब चीजें जो है भोग करके नहीं, मैं पूरी अवेयरनेस में कर रही हूँ कि ये बॉडी है, शरीर है, प्रकृति है, प्रकृति का जो है मूवमेंट जो चल रहा है मैं उससे अछूती हूँ। तो जब ये भाव में जब कोई भी कर्म किया जाता है उस चीज को जागृति का कहा जाता है और उसी चीज को ही आनंद कहा जाता है। तो उपवासी तो मनुष्य को पूरा जन्म में होना ही चाहिए, हर कर्म में उपवासी वाली अवस्था होनी ही चाहिए, तब कर्म सही कर्म में आप इन्वॉल्व होते हैं, अदरवाइज नहीं होते। तो ब्रह्मचारी भी वही हुई कि जब आप उसमें गए हो, फिजिकल रिलेशनशिप में भी यदि कोई मनुष्य जा रहा है तो उसमें आपका आपका जागृत वाला सो जाता है, वो मन मन ही एक डोमिनेट करता है, तो मन वाली अवस्था नहीं, वो अवस्था होनी चाहिए। तो आप जो है 10 वुमन में या पुरुषों में रहकर भी जो है आप ब्रह्मचारी अवस्था को नहीं छोड़ते अपनी, तो वो अवस्था होती है। हाँ जी कर दे, बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा, सभी लोगों ने बहुत अच्छी तरह से समझा, बहुत आपने आंतरिक गहराइयों की तरफ इसको ले गए और हम एक दूसरे को सुनकर पहले से ज्यादा हमारे ज्ञान में वृद्धि हुई, समृद्ध हुए और अब ये ग्रुप बढ़ता चला जा रहा है। तो सभी लोगों से आग्रह रहेगा कि अपने अन्य लोगों को ये लिंक भेजें और ज्यादा लोगों को फोन पर इससे जुड़ने का प्रयास करें, तो मुझे लगता है कि हम और ज्यादा अच्छी तरह से इन बातों को समझ पाएंगे। तो श्रद्धा जी फिर समाप्त करें। बिल्कुल सर, बिल्कुल, टाइम बहुत हो गया वैसे भी। ठीक है, ओके जी, चलिए, जय श्री कृष्णा सभी को और सबको आने का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि सबके आए बिना। हाँ जी, जय श्री कृष्णा। Thank you.